हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.5 और ये 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बायनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में। तो बायनोमियल कोएफिशिएंट का कंसेप्ट इतना है कि जैसे आप लोगों का एक्सपांशन में आता था ना, NC1, NC2, NC3 ऐसा, ठीक है। तो उनका अगर हम लोग सम करेंगे, अगर मैं NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 इनका सम करूँ तो उसका आंसर आ जाता है 2^n। NC0, NC1, NC2, NC0, NC1, NC2 को मैं ऐसे लिखता हूँ, C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 .. C^n तक, तो इसका आंसर आता है 2^n। प्रूफ कर दूँ? देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 1 जोड़ो, 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना आया, 3, 4 आएगा यार, ठीक है। फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है 2^n कर दो। ये n क्या है, पावर, यहाँ पे पावर कितनी, 2, 2 का स्क्वायर 4, कितना आया था 4। और प्रूफ करूँ, देखो a प्लस बी का होल क्यूब बोलो, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, कोएफिशिएंट बोलो 1 1 1 3 4 4 3 7 7 1 8, 8 आया जोड़ के, फॉर्मूले से करो, फॉर्मूला बोलता है 2^n, तो 2^3, 2 का क्यूब 8 आ गया। a प्लस बी का पावर 4 देख लो क्या होता है, 1 4 6 4 1, 1 प्लस 4 5, 5 5 10, 10 6 16, किसका पावर है, a प्लस बी रेस्टू 4 का, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला 2^n, मतलब 2^4, 2^4 कितना 16, यहाँ से कितना 16। तो बायनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना आता है, हमेशा 2^n, यही बोलता है हमारा कंसेप्ट, बस खत्म। अब इसी पे आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, कुछ 7 क्वेश्चन है, उड़ जाएंगे तुरंत, ठीक है, एक दिन उड़ जाएंगे 2 मिनट में, ठीक है। देखो कैसे, ये एक्चुअली NC0, NC1, NC2 को ऐसा लिख दिया गया, C0 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C1 सब कुछ मिला के C^n तक, तो उसका आंसर आता है 2^n। अब C0 का आंसर हमेशा 1 आता है, तो 1 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3, आप कुछ भी n की वैल्यू डाल दो इतना C0, तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। कैसे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल, तो 10,000 दिस मच अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n क्या है, यही है, तो यही है, तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 पूरा कैंसिल, और 0 फैक्टोरियल कितना, 1। तो n की वैल्यू कुछ भी रहेगी, अगर r 0 है तो उसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो C0 की वैल्यू फिक्स है, कितनी, 1, ऐसी लास्ट की भी वैल्यू फिक्स है, ये भी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, .. C^n। तो अगर C0 से शुरू करते हो तो आंसर आता है 2^n, अगर 1 से शुरू करते हो, मतलब C1 से शुरू करते हो, तो आंसर आता है 2^n-1, ये दूसरा फॉर्मूला, ये पहला फॉर्मूला। ऐसी मैंने बोला NCn की भी वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है, वो भी 1। तो अगर मैं C1 से लेके Cn-1 तक जाता हूँ तो उसका आंसर आता है 2^n-2, C^n वाला 1 और C1 वाला 1, वो 1 प्लस 1 2 हो गया, यहाँ चला गया। तो आप बोलो ये कैसे आ गया, n से पहले भी तो एक टर्म आएगा, उसके पहले जो टर्म आएगा उसको मैं Cn-1 लिख दिया, ठीक। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो तो अंदर बचा, नहीं नहीं 2 कैसे कॉमन ले सकते हैं यार, 2^n-2 है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका कंसेप्ट, ये फॉर्मूला याद रखना, बस बोर्ड में इतना ही आएगा, एंट्रेंस वगैरह में ये भी यूज़ होता है, खैर इसका आपको प्रूफ दिया है टेक्स्ट बुक में, तो उसकी ज़रूरत नहीं, ये फालतू, इसको नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। तो पहला याद रखना और तीसरा याद रखना, एक्सरसाइज शुरू करें, चलिए तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है शो दैट C0 से लेके C8 तक आंसर आता है 256, कितना आता है 256, ठीक है। तो आपको पता है, आप ऐसे लिखोगे, देखो सॉल्यूशन कैसे लिखना है, सिंस C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 C^n इक्वल टू 2^n, सो पुट कर दो n इक्वल टू 8, देयरफॉर C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 लास्ट कितना आएगा 8, तो ये आ गया C8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2^8, देयरफॉर C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 C8 इक्वल टू 2^8 कितना होता है 256 होता है, ख़त्म, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया ख़त्म। नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही करना है, उड़ा दे नेक्स्ट वाला भी, चलो उड़ा देते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, C9 तक गया है, आंसर है 512। तो सिंस C0 प्लस C1 प्लस C2
प्लस सी थ्री डॉट 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 सी रेस टू एन इक्वल टू टू रेस टू एन, सी एन इक्वल टू टू रेस टू एन. सो पुट कर दो एन इक्वल टू नाइन. देयर फोर सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री डॉट 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 सी नाइन इक्वल टू टू रेस टू नाइन. और टू रेस टू नाइन कितना होता है? 512. तो सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री डॉट 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 सी एन इक्वल टू 512. देयर फोर एन प्रूव्ड. खत्म. दो क्वेश्चन उड़ गए. तीसरा क्वेश्चन भी उड़ा देते हैं. क्या ही टेंशन है. बोला ना 20 मिनट में खत्म हो गया यार. जो टाइम लगेगा आपको लास्ट वाले में लगेगा बस समझाने में, वो भी सॉल्यूशन में तो चिंदी है. थर्ड वाला C1 से शुरू किया है देखो. तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 सी सेवन इक्वल टू 127. तो सिंस सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री डॉट 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 सी सेवन इक्वल टू टू रेस टू एन, सी एन इक्वल टू टू रेस टू एन. अब एन की वैल्यू 7. मुझे कैसे पता चला 7 ही डालना है? क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म 7 है. देयरफॉर ये आ जाएगा सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री डॉट 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 सी सेवन इक्वल टू टू रेस टू सेवन. बट सी जीरो इक्वल टू वन. देयरफॉर वन प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री डॉट 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 सी एन इक्वल टू 128. ये वन वहाँ जाके माइनस हो जाएगा. देयरफॉर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री डॉट 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 सी एन इक्वल टू 127. हेंस प्रूव्ड. मेरी बात समझे? हमने जनरल फार्मूला लिखा, 7 लिखा, 2 रेस टू 7 आया. बट हमें पता है सी जीरो वन होता है, तो इसकी जगह हमने 1 रख दिया. तो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से डॉट 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 सी सेवन तक, सी सेवन तक हमें आंसर क्या मिल गया? 127. और वही तो प्रूफ करना था. खत्म. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. सी वन से सी सिक्स तक 63 आया है. समझ गए रहोगे इसको कैसे करना है? नहीं समझे? आइए समझाता हूँ. फोर्थ वाले में सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस सी फोर प्लस सी फाइव प्लस सी सिक्स इक्वल टू दिया है 63. ठीक है, तो सिंस सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू डॉट 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 सी एन इक्वल टू टू रेस टू एन होता है, तो पुट कर दो एन इक्वल टू सिक्स. मुझे कैसे पता चला 6 डालना है? क्योंकि यहाँ पे 6 है. देयरफॉर सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू डॉट 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 सी सिक्स इक्वल टू टू रेस टू सिक्स. बट सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू डॉट 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 सी सिक्स इक्वल टू टू रेस टू सिक्स होता है 64. ठीक है, बट हमें पता है सी जीरो कितना होता है? 1. देयरफॉर 1 प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री डॉट 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 सी सिक्स इक्वल टू 64. देयरफॉर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री डॉट 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 सी सिक्स इक्वल टू 64 माइनस 1 दैट इज 63. हो गया प्रूफ. हेंस प्रूव्ड. ठीक है, 1 वहाँ जाके माइनस हो गया और क्या, 63 आ गया. बाकी सी वन सी टू सी थ्री रह गया. ठीक है, ये देखो समझ आ गया. चलो आगे बढ़. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सी जीरो प्लस सी टू प्लस सी फोर प्लस सी सिक्स प्लस सी एट इक्वल टू सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव प्लस सी सेवन इक्वल टू 128. देखो समझो, यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी आपको सीखने मिलेगी कि सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट जो होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट के. मतलब जैसे मैं ए प्लस बी का होल क्यूब लिखूँ, तो ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना. तो ये क्या है? ये एन सी जीरो, ये क्या है एन सी वन, ये क्या है एन सी टू, ये क्या है एन सी थ्री. तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं ऑड कोएफिशिएंट. इनका सम बोलो 3 + 1 = 4. और ये क्या है एन सी टू एन सी जीरो, ये है इवन कोएफिशिएंट. तो 3 + 1 का आंसर बोलो 4. तो यहाँ से हमें ये प्रूफ होता है कि इवन कोएफिशिएंट और ऑड कोएफिशिएंट का जो सम है वो सेम होता है. देखो सी जीरो सी टू सी फोर सी सिक्स सी एट इवन कोएफिशिएंट, ऑड कोएफिशिएंट, इनका सम 128. बट ये प्रूफ कैसे करें? 7 तक गया है ना. हाईएस्ट कितना तक गया है देखो क्वेश्चन में, हाईएस्ट 8 तक गया है. तो हम देखते हैं क्या कर सकते हैं. सिंस सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री डॉट 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 सी एन इक्वल टू टू रेस टू एन होता है, एन का वैल्यू डाल दो 8. देयर फोर सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री डॉट 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 सी एट इक्वल टू टू रेस टू 8. ठीक, चलिए इतना हुआ. अब इसके बाद आपको पता है कि सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट इक्वल टू सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स, बायनोमियल कोएफिशिएंट्स की बात हो रही है. ठीक है, देयर फोर जो सी जीरो प्लस सी टू प्लस सी फोर प्लस सी सिक्स प्लस सी एट होगा वो इक्वल होगा सी वन प्लस सी थ्री प्लस सी फाइव प्लस सी सेवन के, उसको ले लेते इक्वल के हमने लेट कर लिया. देयर फोर लेट सी जीरो से सी एट तक इक्वल टू सी वन से सी सेवन तक के, क्योंकि दोनों तो सेम रहेंगे, दोनों का सम कितना रहेगा? सेम रहेगा. तो देयरफॉर इसको वापस लाओ,
देयरफॉर सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू डॉट 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 सी एट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2^8 कितना होता है 256। ठीक है, तो इसका सम हमने कितना ज्यूम किया, k। तो इसको मान लिया हमने k, इसको भी हमने क्या माना था k, क्योंकि दोनों सम दोनों का जो कोएफिशिएंट का सम होता है इवन और ऑड का वो सेम होता है। तो k प्लस k इक्वल टू कितना आ गया 256, देयरफॉर 2k कितना आ गया 256, 2 वहां जाके डिवाइड करेगा तो k कितना आ जाएगा 128। ठीक है, देयरफॉर ये दोनों ही किसके इक्वल है, ये दोनों ही किसके इक्वल है, k के इक्वल है। मतलब c0 से लेके c8 की भी वैल्यू कितनी होगी 128, c1 से c7 की भी वैल्यू कितनी होगी 128। देयरफॉर फ्रॉम 1 c0 plus c2 plus c4 plus c6 plus c8 equal to c1 plus c3 plus c5 plus c7 equal to 128। और इसको दे दो 1। मेरी बात समझ गए, हमें प्रूफ करना था 0 से लेके यहाँ पे 8 तक दिया था, तो 0 से 8 हमने माना, n की वैल्यू 8 डाला, 2^8 किया, 2^8 होता है 256। हमें पता था कि इवन कोएफिशिएंट का सम ऑड कोएफिशिएंट के इक्वल होता है, तो हमने इक्वल ले लिया k के। अब हमने इसको दोबारा लिया, 8 तक 256। सी मतलब इवन वाले एक साथ लिखे, ऑड वाले एक साथ लिखे, इवन वाले का के, ऑड वाले का के इक्वल टू 256, तो 2k इक्वल टू 256, तो k की वैल्यू आई 128। अब इस k की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में दोबारा डाल दिया, तो फ्रॉम 1 दिस। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं फिर लास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स करते हैं। सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से लेके सी एन तक जो सम है वो आता है 2^n-1। ये तो अभी डिराइव किया था मैंने। ठीक है, सो यार आपको पता है सिंस सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री डॉट 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 सी एन तक आंसर आता है 2^n, बट सी जीरो कितना है 1 है, देयरफॉर 1 प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री डॉट 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 सी एन तक इक्वल टू 2^n, देयरफॉर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस डॉट 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 सी एन इक्वल टू आ जाएगा 2^n-1। खत्म। तो फालतू क्वेश्चन आ रही है, अभी तो बताया था। ठीक है, आगे बढ़ चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं। सी जीरो प्लस टू सी वन प्लस थ्री सी टू प्लस फोर सी थ्री डॉट 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 एन प्लस वन सी एन इक्वल टू एन प्लस टू 2^n-1। और ये बाबा ये क्वेश्चन कैसी होगा, इसमें देखो दो चीज़ है कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ये भी बढ़ रहा है और सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री तो बढ़ ही रहा है, तो क्या कर सकते हैं अभी सोचो। देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसका मेथड क्या है। सबसे पहले यहाँ पे जो आपको 2c1 दिख रहा है इसको मैं c1 प्लस c1 लिख सकता हूँ, जो 2c1 दिख रहा है इसको मैं c1 प्लस c1 लिख सकता हूँ, 3c2 को मैं c2 प्लस 2c2 लिख सकता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। देखो मैंने लिखा c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 डॉट 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 cn, ठीक है, प्लस c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस डॉट 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 कितना आ जाएगा यहाँ पे c1 से शुरू हुआ और n प्लस 1 तक गया है ना, सो n यहाँ पे कितना चल रहा था 1, तो यहाँ पे आ रहा था 2। ध्यान से सुनो, n क्या है यहाँ पे 1, कितना आ रहा था 2, 2 तो 3, 3 तो 4, बट यहाँ देखो 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, तो अगर यहाँ पे n है तो n। मेरी बात समझे, समझे या नहीं। यहाँ पे कैसा था, सी जीरो प्लस टू सी वन आ रहा था, तो यहाँ पे जब वैल्यू 1 थी तो ये वैल्यू 2 आ रही थी, जब 2 था तो 3 आ रहा था, 3 था तो 4 आ रहा था, मतलब एक ज़्यादा आ रहा था, तो यहाँ पे n था तो n प्लस 1 आ रहा था। बट यहाँ पे हमने जब किया c1 को मैंने अलग किया, देखो c1 जोड़ोगे 2c1 हो जाएगा, c2 जोड़ोगे 3c2 हो जाएगा, c3 जोड़ोगे 4c3 हो जाएगा, दोबारा सेम हो जाएगा। वैसे ही ncn और cn जोड़ोगे तो n+1 cn हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 था तो 1 है, 2 था तो 2 है, 3 था तो 3 है, n था तो n रहेगा। समझे, ये फील हुआ। चलो इसका वैल्यू कितना आएगा 2^n-1, इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, प्लस, अच्छा इसमें देखो c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से इसको ओपन कर देते हम लोग, nc1 nc2 nc3 वाला फार्मूला लगा देते हैं। अच्छा ये देखो 2^n आएगा ना c0 से लेके, हाँ यार फालतू, ये 2^n आता है ना फार्मूले में, c0 तो यही है, प्लस c1 को जब हम लोग ओपन करेंगे तो c1 की वैल्यू आएगी nc1, उसका आंसर क्या आएगा nc1, तो इसका आंसर आएगा n·1·1, n−1, मतलब ये आएगा n·1, नीचे भी है n−1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा n, प्लस 2c2 है तो 2 को बाहर रखो, nc2 का आंसर क्या आएगा n·2 और अंदर n−2, ठीक है, n फैक्टोरियल को ओपन करो तो आएगा n n-1 n-2 फैक्टोरियल
और नीचे है 2 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, आया क्या n n माइनस 1 और नीचे है 2 प्लस 3c3 कैसे आएगा 3 इंटू एन सी 3 का फॉर्मूला बोलो, n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को ओपन करो तो n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, अब 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 6, तो ऊपर आ जाएगा n n माइनस 1 n माइनस 2 और नीचे 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक। ऐसे ही जब आप सबका ओपन करोगे तो एन सी एन का क्या आएगा, एन तो साइड में है, एन सी एन आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो लास्टली आंसर कितना आना है, 1 आना है। अरे देखो ना, एन सी एन सेम हो गया तो इसका आंसर तो 1 ही आता है ना, प्रूफ कर दूँ, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अंदर एन माइनस एन फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ये इससे कैंसिल, आंसर आया ना 1, तो ये आंसर आएगा एन इंटू 1, एन भी है ना, तो आंसर आया 1। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहीं पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो इसके डिनोमिनेटर में 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बात अलग है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो चलो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब पूरे में से मैं n कॉमन घसीट लेता हूँ, तो 2 रेस टू n प्लस, मैंने n यहाँ से कॉमन खींच लिया तो अंदर बचा 1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 है ना, प्लस n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 फैक्टोरियल ही था ना और ये भी 3 फैक्टोरियल ही था ना, तो 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, इधर से मैंने n कॉमन खींच लिया तो बचा 1, ठीक है। अच्छा n माइनस 1 है तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो 2 रेस टू n प्लस n, इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 सी 0, n माइनस 1 सी 0 का आंसर क्या आएगा, 1 है ना, क्योंकि ऊपर कुछ भी हो अगर r 0 है तो आंसर 1 ही आता है। n माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 सी 1, जरा चेक करो, n माइनस 1 सी 1 को ओपन करो तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस 1, मतलब n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस 1 फैक्टोरियल ओपन होगा तो आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल और नीचे 1 फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, बचा क्या n माइनस 1 अपॉन 1, देखो n माइनस 1 अपॉन 1, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 सी 1, वैसे ही मैं इसको लिख सकता हूँ n माइनस 1 सी 2, ऐसे ही डॉट 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 इसको मैं लिख सकता हूँ n माइनस 1 सी n माइनस 1, नहीं समझे, अरे एक्सपांशन हुआ है n माइनस 1 सी 0 n माइनस 1 सी 1 n माइनस 1 सी 2, वैसे ही क्या हो जाएगा n माइनस 1 सी n माइनस 1, ठीक है। तब तो आंसर आया देखो 2 रेस टू n प्लस n, अब देखो ये सी 0 प्लस सी 1 प्लस सी 2 प्लस सी 3 प्लस सी 4 डॉट 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 सी रेस टू n का आंसर क्या आता था, 2 रेस टू n, और वो n क्या होता था, वो n ये वाली पावर होती थी ऊपर जो रहता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 रेस टू n माइनस 1 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2 रेस टू n माइनस 1, अब ब्रैकेट को ओपन कर दो, लाना क्या है हमें, ठीक है, इस 2 रेस टू n को आप 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 2 रेस टू n डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस n और ब्रैकेट में 2 रेस टू n माइनस 1। अब ये देखो जो नीचे 2 डिवाइड हुआ है, ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 रेस टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 रेस टू n माइनस 1 इंटू 2 प्लस n इंटू 2 रेस टू n माइनस 1, 2 रेस टू n माइनस 1 2 रेस टू n माइनस 1 दोनों में है कॉमन ले लो, तो 2 रेस टू n माइनस 1 जब कॉमन गया तो इधर क्या बचा 2 और n, मतलब इधर बचा n प्लस 2, हो गया प्रूफ, समझे, 2 रेस टू n के नीचे मैंने 2 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया, डिवाइड वाला जो 2 था उसका पावर 1 था, बेस सेम है तो पावर माइनस होती है, तो 2 रेस टू n माइनस 1 हुआ इंटू 2 रह गया प्लस n था, n भी था इंटू 2 रेस टू n माइनस 1 था, ठीक है। चलो फिर से बता देता हूँ कॉमन लेने वाला, ये देखो ये है और ये भी है, तो दोनों को मैंने कॉमन खींच लिया, तो 2 रेस टू n माइनस 1 जब कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, इधर बचा 2 इधर बचा n, इसको अब रीअरेंज कर दो, रीअरेंज कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, इसी के इक्वल आ जाएगा, है ना, रीअरेंज कर दो ना, 2 प्लस n को n प्लस 2 लिख दो, देयरफॉर ये आंसर आ जाएगा 2 रेस टू n माइनस 1 और इधर n प्लस 2, या फिर पहले लिख दो जैसा लिखा है n प्लस 2 और 2 रेस टू n माइनस 1, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा बायनोमियल थ्योरम चैप्टर खत्म होता है, काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर था और बहुत ही छोटा चैप्टर था लग रहा है ऐसा, बट हाई था, ठीक है, मतलब लेंदी था थोड़ा सा। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग अपना फिजिक्स केमिस्ट्री अब कंटिन्यू करेंगे।